दोषी के बीएमजी इंटर कॉलेज में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष इंदु रानी को बीएमजी इंटर कॉलेज में अवैतनिक सचिव पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर पूर्व पालिका अध्यक्ष पंकज शर्मा को बीएमजी इंटर कॉलेज में अवैतनिक सचिव नामित कर दिया है। इसे लेकर पालिका अध्यक्ष और भाजपाइयों में आक्रोश है। इस विषय में कॉलेज प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष विष्णु शंकर अग्रवाल ने बताया कि ये नियुक्ति अनुसूचित है, जबकि इस विषय में जब इंदु रानी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बायलॉज में लिखा है कि जो भी नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष होगा वही इस विद्यालय की प्रबंध कमेटी में अवैतनिक सचिव होगा। इसी आधार पर मुझे सचिव बनाया गया है, जबकि पंकज शर्मा वर्तमान में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए वे सचिव नहीं बन सकते। नगर पालिका बायलॉज द्वारा बीएमजी इंटर कॉलेज में सचिव पद पर नगर पालिका का ही कोई अधिकारी या कर्मचारी सचिव पद पर आ सकता है। इंदु रानी का कहना है कि इस हिसाब से बीएमजी इंटर कॉलेज में सचिव पद पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को चयनित किया जाना चाहिए। देवेंद्र कुमार, ये जो बीएमजी कॉलेज में जो अवैतनिक पद का जो समय मामला चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है, आप क्या बताएं, क्या कहेंगे? चूंकि प्रबंध समिति का मैं सदस्य हूँ बीएमजी इंटर कॉलेज का, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का, संविधान में ये व्यवस्था है कि नगर पालिका द्वारा प्रदत्त ये जमीन है जिसमें नगर पालिका के चुने हुए 4 सभासद और जो चेयरमैन होता है वो इसका सेक्रेटरी होता है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत चेयरमैन साहब और हम इसके सभासद सदस्य हैं प्रबंध समिति के, जो कि एक संवैधानिक रूप से बने हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य इसके, वो हमारे ऊपर ही, हमारे व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमसे पूछते हैं आप कौन हैं, वो हमें किसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा उनसे ये प्रश्न है आप किस व्यवस्था के अंदर अभी तक 40 साल से इस पद पर जमे हुए हैं, आपका कोई चुनाव होता होगा, आपकी कोई फीस जमा होती होगी, जो कि संविधान में लिखे हुए संस्था के उन्होंने कभी भी किसी प्रकार से वो ना तो फीस जमा करी है और ना ही कुछ ऐसा कराया जिससे वो संवैधानिक रूप से बने हुए हैं। और वित्तीय अनियमितता हमारे द्वारा पकड़ी गई स्कूल की, जिससे कि वो ये चाह रहे हैं कि इनमें से कोई भी सदस्य नगर पालिका का किसी भी प्रकार से प्रभाव न रहे और नगर पालिका का संबंध यहाँ से खत्म हो जाए, जो कि हमें किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। मेरा नाम संजय सैनी है। ये जो बीएमजी इंटर कॉलेज में जो मंत्री का अवैतनिक पद पे जो इस समय प्रकरण चल रहा है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें आप भी इसमें सदस्य हैं तो क्या? हाँ, उसमें भी यानी कि नगर पालिका चेयरमैन की ओर से नगर पालिका सदस्य मैं भी सदस्य हूँ ये भारतीय म्युनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज में। और एक हमारे इसमें क्या होता है, इसमें एक नगर पालिका का जो चेयरमैन होता है वो सेक्रेटरी रहता है और उसके साथ 4 सदस्य जो मेम्बर होते हैं वो 4 सदस्य साथ रहते हैं। मैं इस कारण उसमें मैनेजमेंट कमेटी में सदस्य भी हूँ। क्या बताएंगे पूरे प्रकरण में? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, हमने जब हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी पहली, तो हमने उसने पूछा था क्या कहते हैं इसका मैनेजमेंट, इसका बायलॉज वगैरह दिखाई, उन्होंने कुछ भी कुछ नहीं दिखाया बिल्कुल भी। और उसमें आपकी मैनेजमेंट के अनुसार ये लिखा हुआ है कि जो भी इसमें यानी ट्रस्टी होगा और जो सदस्य होगा वो यानी 55,000 रुपये फीस जमा करेगा और ट्रस्टी जो सदस्य होगा वो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करेगा। हर 3 साल में चुनाव होगा, लेकिन आज तक 1 रुपया भी इसका कोई हिसाब नहीं है, ना आज तक 1 रुपया भी किसी शुल्क में जमा किया गया है, ना कोई इन्होंने ब्यौरा दिया ना कुछ बताया हमें। और नगर पालिका की बाहर दुकान है उसका भी हमने इनसे विवरण मांगा, उसका भी कोई विवरण इन्होंने नहीं बनाया बताया आज तक। और जबकि नगर पालिका की दुकानें सारी उठी हुई हैं और जितना भी पैसा है उसका कोई भी फंड का कहाँ है कहाँ गया कोई उसका पता नहीं है। और सब यानी उन्होंने क्या किया है ये यानी सब यानी बहुत यानी और बीएमजी इंटर कॉलेज में बच्चों से जनरेटर फीस के उसमें भी 2-2 बार शुल्क लिया जाता है, उसका भी कोई ब्यौरा नहीं है। और ये जो प्रबंध समिति है ये वैधानिक रूप से शून्य है। मैं विष्णु शंकर अग्रवाल। इसकी बीएमजी इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति में क्या पद है आपका? मैं यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की हैसियत से हूँ। आपके कॉलेज की जो अवैतनिक सचिव हैं जी, उनका प्रकरण आया सामने कि वो यहाँ पर टीचर भी हैं और यहाँ पर अवैतनिक सचिव भी हैं, तो क्या वो रह सकती हैं? नहीं, यही एक प्रश्न है, बहुत बड़ा वैधानिक प्रश्न है कि शिक्षिका के रूप में तो वो एक कर्मचारी हैं और अवैतनिक रूप मंत्री के रूप में वो एम्प्लॉयर हैं, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई सेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम है
उसका एक स्पष्ट प्रोविजन है कि वो किसी भी शिक्षण संस्था की प्रबंध समिति की पदाधिकारी नहीं हो सकती, और इसका बाकायदा उल्लेख है जो ये प्रकरण हुआ, ये 2 वर्ष पूर्व जब वो यहाँ अवैतनिक मंत्री बनी थी, तो ये तथ्य जिलाधिकारी संबल के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाया गया था। उस पर कार्रवाई लंबित थी, तो वो कार्रवाई अब आकर 10 तारीख में उसका आदेश जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी की निर्गत किया गया, उसमें उन्होंने उस अधिनियम के का उल्लेख करते हुए उस नियम का कि वो इस पद पर नहीं रह सकती, इनको इस पद से मुक्त किया और मैनेजिंग कमेटी में ही जो सदस्य हैं, मैनेजिंग कमेटी को तो नहीं बदला उन्होंने, जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें एक सदस्य हमारे श्री पंकज शर्मा जी हैं, जो 2002 से 2005 तक चेयरमैन भी रहे हैं नगर पालिका की, और उस अवधि में वो उन्होंने कॉलेज के कार्य को भी देखा, यहाँ अवैतनिक मंत्री भी रहे हैं, उनको अनुभव भी है। तो उस आधार पर संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय ने उनको नियुक्त कर दिया, ये है। अच्छा, वो कॉलेज की शिक्षक हैं और नगर पालिका की चेयरमैन भी हैं, क्या कॉलेज आती हैं डेली? देखिए, कॉलेज वो आती तो हैं, लेकिन अपनी हाजिरी लगाकर अब कितना पढ़ाती हैं कितना नहीं पढ़ाती। दरअसल अध्यक्ष का काम जो है डे टू डे वर्किंग देखना नहीं है, हम लोग तो सिर्फ किसी विशिष्ट कारण से या प्रबंध समिति की अगर कोई बैठक होती है तब आते। जितना दिन प्रतिदिन का कार्य है, जो भी प्रबंध समिति का कार्य है उसको करने का दायित्व तो हमेशा अवैतनिक मंत्री का होता है, अब वही हैं, वही इस चीज़ को बेहतर जानती हैं। जैसे बताया जा रहा है कि पिछले 50 सालों से जो है चुनाव नहीं हुआ है प्रबंध समिति का कॉलेज की, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे ये बात इससे आप ऐसे समझिए कि हर एक 5 साल बाद यहाँ का अवैतनिक सचिव बदलता है, किस आधार पर बदलता है? यहाँ की प्रबंध समिति का जो गठन है वो इस तरीके का है कि उसका आधा चुनाव होता है नगर पालिका का। अगर वो ये बात कहती हैं तो वो कैसे आई हैं? क्या वो पिछले 50 साल से यहाँ हैं? वो चुनकर ही तो आई हैं। और अगर वो चुनाव और कॉलेज का चुनाव अलग है तो फिर कॉलेज में चुनाव होना चाहिए था, उन्हें ही कराना चाहिए था। अब है दूसरी संस्था, ये संयुक्त है, 2 संस्थाओं के द्वारा ये संचालित कॉलेज है। दूसरी संस्था अपने चुनाव कराती है, वो अपने चुनाव कराकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजती है, ये नगर पालिका के द्वारा आते हैं, ये है। कॉलेज के जो प्रबंध समिति है उसमें कुछ पदभार किसी और को दिया जा रहा है आपकी जगह, क्या है वो पूरा मामला? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीएमजी इंटर कॉलेज भरतीय म्यूनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज नाम है उसका, तो वो नगर पालिका की से संबंध है कॉलेज, और मैनेजमेंट कमेटी की बात तो मैनेजमेंट कमेटी इस समय वैध नहीं है कोई भी। 1967 का बायलॉज है, हमारा कॉलेज चलता है बायलॉज से, जो नगर पालिका से संबद्ध कॉलेज है बायलॉज के अकॉर्डिंग जो चेयरमैन बनेगा वही अवैतनिक मंत्री होगा। तो ये शक्ति जो अधिकार है ये नगर पालिका में निहित है, ना कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि अध्यक्ष या मैनेजमेंट कमेटी के कोई भी किसी को ये पद दे दिया जाएगा। ना मैनेजमेंट कमेटी ने हमें बनाया था, ना वो हटाने के अधिकारी हैं, क्योंकि कॉलेज चलता है बायलॉज से, बायलॉज में व्यवस्था है कि जो चेयरमैन चुन के आएगा वो दोनों कॉलेज बीएमजी इंटर कॉलेज बीएमजी डिग्री कॉलेज का अवैतनिक सचिव होगा, प्लस 4 सदस्य जो सभासद चुनकर आएंगे उसमें से अवैतनिक मंत्री की सहमति या चुनाव के द्वारा सबकी सहमति से 4 सदस्य सभासद हमारे आएंगे इसमें बीएमजी इंटर कॉलेज में, और 3 सभासद आएंगे हमारे डिग्री कॉलेज में। ये व्यवस्था है हमारे बायलॉज में, तो उस बायलॉज के अकॉर्डिंग हम आए। कोई अपने किसी मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष या किसी ने हमें नहीं बिठाया, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी मैनेजमेंट का पदाधिकारी यहाँ पे वैलिड नहीं है। अगर आज की तारीख में मैनेजमेंट कमेटी में यदि कोई है तो एक अवैतनिक मंत्री और 4 सभासद इंटर कॉलेज के चुने हुए वो हैं। बायलॉज में एक बात और बता दूँ, ये व्यवस्था और है, जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो 3 साल के बाद उसका भी चुनाव होगा, और मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव 3 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा।
ना अध्यक्ष का कोई चुनाव 1967 से ना अध्यक्ष का कोई चुनाव हुआ है, प्लस अध्यक्ष को 55,000 रुपये विद्यालय कोष में जमा करने होंगे, तो ना कोई कोष में जमा हुआ है और ना अध्यक्ष का 3 साल बाद कोई चुनाव हुआ है। 1967 से लगातार ये उस कुर्सी पे विराजमान है। और जो सदस्य हैं मैनेजमेंट कमेटी के पंकज शर्मा, और वो भी आज की तारीख में मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने कोई वो पैटर्न मेंबर है, ट्रस्टी मेंबर है, कुछ पता नहीं उनको, खुद को नहीं पता। उनसे पूछिए कि आप मैनेजमेंट कमेटी में कौन से मेंबर हैं, पैटर्न मेंबर है या ट्रस्टी मेंबर है, और आपने कौन सी रसीद कटाई है, कौन से आपने पैसे जमा किए कॉलेज के अकाउंट में। आज 67 से लेकर आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ कमेटी में मेंबर्स का, ना अध्यक्ष का, और ना कोई कोष में पैसा जमा हुआ है या अधिपत्य जमा हुआ है। इस तरह से नगर पालिका की प्रॉपर्टी पे वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, तो ये कब्जा ये हस्तक्षेप नहीं चलेगा। नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, नगर पालिका का कोई अधिकारी, नगर पालिका का कोई सभासद उसमें होना चाहिए। यदि मानिए एक्ट में व्यवस्था है, ठीक है, मैंने मान ली ये एक्ट ऐसा है, एक्ट कहता है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है कॉलेज, जो विद्यालय का और नगर पालिका का जो बायलॉज है उस बायलॉज के अकॉर्डिंग कॉलेज चलता है। डी आई एस जे डी को इन्होंने गुमराह किया है। यदि डी आई एस जे डी को भी अधिकार नहीं है किसी को भी सच्चे पद पर बैठाने का, सच्चे पद पर वो नहीं बैठा सकता, ना कि उन्होंने हमें बिठाया था। उनसे पूछिए JDDIS ने हमें बिठाया था क्या, ये तो हमारी नगर पालिका की व्यवस्था है, बायोलॉज की व्यवस्था है, इसको बिठाया था, तो ये इसमें कहीं ना कहीं घेरे में ये भी आएंगे, इनसे पूछा जाएगा। अगर आपको करना लगना कुछ, आप एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो आपको दोनों पक्ष को सुना जाना चाहिए था, हमारे नगर पालिका परिषद के जो हमारे सभासद चुने हैं उनको, और हमें बुला के पूछना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए थी, हमारी भी बात सुननी चाहिए थी उनको, तब वो कमेटी में प्रस्ताव पास होता, तब किसी को कर सकते थे। JD जॉइंट डायरेक्टर और DIS को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को सचिव बना दे। नगर की उनका कहना है कि आपके पास दो पद हैं, एक टीचर का पद है, दूसरा नगर पालिका में आप चेयरमैन है, उसकी वजह से आपके पास सचिव का पद है, ठीक है, जिसकी वजह से दो पद में आप नहीं रह सकती, उन्होंने ये कहा है। तो नहीं, दो वो अवैतनिक पद है, नगर पालिका का पद जो अवैतनिक है, मैं यहाँ टीचर हूँ तो टीचिंग अपना करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी, उस रोजी रोटी पे मैंने कभी इसका गद्दारी नहीं की है, कॉलेज जाती हूँ, पढ़ाती हूँ, बच्चों को अपना पीरियड लेती हूँ, और वो मेरे को अगर अवैतनिक सचिव बनाया तो नगर पालिका के एज ए चेयरमैन अवैतनिक मंत्री हूँ मैं, ना कि एज ए टीचर में अवैतनिक मंत्री हूँ। एज ए टीचर मैनेजमेंट कमेटी ने मुझे अवैतनिक मंत्री नहीं बनाया, एज ए चेयरमैन, क्योंकि बायोलॉज में व्यवस्था है जो चेयरमैन होगा वही यहाँ का अवैतनिक सचिव होगा, ऐसे उसमें हूँ। तो अगर ऐसी बात थी DIS को या JD को, शिक्षा विभाग को कोई कन्फ्यूजन था, तो मैंने ये बात पहले ही कही थी 2018 में, मैंने प्रतिवेदन दिया है, मैंने कमेटी की जांच की जाए, जॉइंट डायरेक्टर के पास है लेटर, हमने जांच के लिए बात कही थी, तो उन्होंने जांच नहीं की, जांच को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने मनगढ़ंत करके अपने हिसाब से अपने अधिकार से अपने किस अधिकार क्षेत्र से उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, भेज दिया, जो कि कॉपी मेरे पास आज तक नहीं आई है। जैसे कि विष्णु शंकर जी ने एक बात और कही थी कि आप नगर पालिका की तरफ से वहाँ मंत्री पद पर हैं, हाँ। क्योंकि चला रहा है बायलो से, हाँ। वहाँ टीचर भी हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने ही सिग्नेचर से अपनी तनख्वाह निकालती हैं, तो ये तो व्यवस्था, ये तो आज उन्हें याद आया, इतने दौर से NOC उन्होंने दिया, जब चुनाव लड़ा NOC उन्होंने दिया है, चेयरमैन चुनी, चुनाव उन्होंने लड़ाया मेरा, और आज तक सैलरी निकलवाते रहे, DM के पास भी शिकायत करें सबके पास, तो क्यों नहीं हुआ ये पहले से। मैं तो अगर मैं मेरे अंदर कोई मन में बात होती तो मैं तो चाहती थी कुछ भी करिए आप, कर दिए, मैं मेरे को तो स्वीकार है सब कुछ, भाई टीचर हूँ मैं, ठीक है, अवैतनिक अपना वेतन थोड़ी निकालती, पूरा स्टाफ का वेतन निकलता है, वो एज ए अवैतनिक मंत्री निकलता है ना कि एज ए टीचर इंदुरानी निकलता है, वेतन भी एज ए अवैतनिक मंत्री वेतन उससे निकलता है, ना कि एज ए इंदुरानी टीचर अध्यापिका के साइंस वेतन निकलता है। गलत फहमी है उनको, गलत फहमी क्यों कर।